if I want to solve this question by another method, now again I will write let x1, x2, x3, x4, x5, x6 be the number of air coolers produced in or manufactured in regular production. ठीक है ना, regular basis. I am again writing the same thing. Now let y1 up to what will happen up to y6 be the number of air cooler produced in overtime production. Correct? Now I have written. Now I know that x1 plus y1 plus whatever was there, what was there, plus 100. Correct? It should be at least equal to what? 640. Correct? Because it is said that they should meet the order of 640. तो एटलीस्ट 640 होना चाहिए, 640 से कम नहीं होगा. बट अगर 640 से ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा तो वो किस में स्टोर होगा? इन्वेंट्री में. अब मैंने यहां क्या लिख दिया, देखो मैंने क्या यूज कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसको यूज करने से क्या फायदा होगा बेटा, इसको यूज करने से मुझे इन्वेंट्री वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं. जस्ट थिंक अबाउट इट. इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट मंथ में, जस्ट थिंक, लुक एट दिस. सपोज करो मैं 600 बना रहा हूं, यहां पे मैं 100 बना रहा हूं. करेक्ट? तो 600 100 बना दिया, 100 पहले से कितने हो गए, 800. होना कितना चाहिए था 640. तो जो भी ग्रेटर देन रहेगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा. करेक्ट? तो मैंने यहां मेंशन नहीं किया. क्यों मेंशन नहीं किया इन्वेंट्री वेरिएबल? क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिया फॉर फर्स्ट मंथ. करेक्ट? इज इट ओके? नाउ लुक फॉर द सेकेंड मंथ. सेकेंड मंथ में क्या होगा, एक्स टू प्लस वाई टू, ये किसके इक्वल रहना चाहिए, 660. किसके इक्वल, 660. और ये एक्सीड करना चाहिए यानी 660 को. बट ये हो सकता है कि यहां से कुछ बचे, हो सकता है, नहीं बचेगा यहां से. तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. एक्स वन प्लस वाई वन प्लस 100 माइनस 640 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. करेक्ट? मतलब एक्स वन प्लस वाई वन माइनस 540 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. करेक्ट? 100 बोल दिया मैंने भूल से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, क्या हो गया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट मंथ पे जाएगी या नहीं? तो नेक्स्ट मंथ पे जब मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा एक्स वन प्लस वाई वन माइनस 540. जस्ट लुक एट दिस. अगर ये मिलाकर इक्वल टू जीरो हुआ, क्या हुआ, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जस्ट थिंक अबाउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. ऑटोमेटिकली जीरो होगी या नहीं? बट अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, क्या हुई, ग्रेटर देन जीरो, सपोज करो 50 हुई, तो ये 50 यहाँ पे कैरी होगा या नहीं, होगा ना 50 कैरी. और ये 50 x2 y2 मिला के किसको एक्सीड करना चाहिए, जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है. कितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, एनीवन, सेकंड मंथ में कितना रिक्वायर्ड है, 660. वेरी नाइस, 660. ओके, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राइड टू सिंपलीफाई थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स विदाउट कंसिडरिंग द इन्वेंट्री इफेक्ट बाय कंसिडरिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ एटलीस्ट. ओके, तो नाउ व्हाट वी विल डू फॉर द थर्ड मंथ, व्हाट विल हैपन, आई विल राइट इट फॉर दिस मंथ ऑल्सो एटलीस्ट, एक्स वन प्लस वाई वन माइनस 540. नाउ नेक्स्ट मंथ में ये फिर से यहाँ आ जाएगा या नहीं, तो एक्स, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स वन प्लस वाई वन. करेक्ट ना? माइनस 540 माइनस 660 कितना हो गया, 1200. करेक्ट और नॉट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इफ इट इज इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट मंथ इन्वेंट्री फ्रॉम दिस मंथ विल बी जीरो. इफ इट इज मोर देन जीरो, वी हैव टू कैरी इट, बट इन आइदर केस वी हैव टू राइट दिस थिंग. तो व्हाट वी विल राइट फॉर द नेक्स्ट मंथ इज एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, इट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 700. बट वी विल राइट एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स वन प्लस वाई वन माइनस 1200. I hope you're getting what I'm doing. Minus 1200. Is it right? Is it right? Yes, sir. Okay. Now what I'll do is ये 3 महीने की equation को मैं फिर से थोड़ा सा है time अपने पास, tension मतलब हो जाएगा, थोड़ा सा time बस. देखो मैं फिर से लिखता हूँ ये equation. पहली equation क्या है? First month की equation. X1 plus Y1 minus 540 ना, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो greater than equal to 540. नेक्स्ट मंथ की इक्वेशन क्या बताया मैंने, नेक्स्ट मंथ की इक्वेशन में बता रहा हूँ एक्स वन ओके प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू
ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दिस वैल्यू 1200 है या नहीं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, करेक्ट। नेक्स्ट मंथ जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स वन तो आ गई, प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस प्लस दिस आ जाएगा, यानी कितना हो गया 1900, करेक्ट। अब मैं वो क्वेश्चन को नीचे ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना है, मैं फिर से क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा, ड्रॉप करने जाओ तो प्रॉब्लम होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Just look at this question. Okay, I think this is visible. As it is not like not visible, like इतना तो रहेगा, दिख के आएगा। Time कम है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा problem है। तो अगर next month का मुझे देखना है, तो values तो मुझे दिख रही है, 700 हो गया, अब 750 है। तो जब मैं fourth month की बात करूँगा, तो देखो क्या आएगा। Simple बताता हूँ। X1 plus Y1 plus X2 plus Y2 plus X3, ऊपर की equation लिखते जा रहा हूँ। Plus Y3 प्लस एक्स फोर प्लस वाई फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 750 प्लस क्या करूंगा, 750 प्लस 1900 कितना हो गया 2650, सिंपल। नेक्स्ट फॉर द फिफ्थ मंथ इफ आई एम गोइंग अगेन एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स थ्री प्लस वाई थ्री प्लस एक्स फोर प्लस वाई फोर, करेक्ट ना, प्लस एक्स फाइव करेक्ट प्लस वाई फाइव, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2650 प्लस क्या करूंगा 550 कितना हो गया 3200, राइट। तो दिस इज 3200, लास्ट मंथ आई विल मेंशन इज, आई एम जस्ट अबाउट टू एंड इट, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स थ्री प्लस वाई थ्री प्लस एक्स फोर, करेक्ट, प्लस वाई फोर प्लस एक्स फाइव प्लस वाई फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, कितना है बेटा 650। तो इसमें क्या हो जाएगा, गौर करो, 38200 प्लस 650 कितना होगा 3850। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ भी इन्वेंट्री नहीं बचा था यहाँ तक, तो प्लस 150 करना पड़ेगा या नहीं, करना ही पड़ेगा। हाउ एम आई श्योर कि ऊपर तक कुछ बचा है, आई डोंट नो, आई होप यू आर गेटिंग, आई डोंट नो एटलीस्ट मुझे कितना चाहिए, आई होप यू आर गेटिंग, एटलीस्ट मुझे कितना चाहिए 3850 प्लस 150 चाहिए, तो आई डोंट नो वेदर इट विल रिमेन और नॉट रिमेन, सो आई हैव टू मेंशन 150, सो आई हैव मेंशन 150, करेक्ट। आई थिंक समवन इज देयर इन द चैट, सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा बेटा आपका, नेटवर्क चेक करो मुतसिम, स्क्रीन क्लियर है सर, किसमें बेटा, और बाकी सब पहले के जो मंथ है उसके अंदर 150 ऐड करूंगा, अगर बच गया, सपोज करो 300 बच गया, अच्छी बात है ना, लेट इट बी मोर देन 150, सपोज करो ये जो मंथ है ये फिफ्थ वाला कहां है, फिफ्थ मंथ में सपोज करो आपने जब इसको सॉल्व किया और आपको इस माइनस इधर लेकर गए और आपको सपोज करो 150 ऊपर मिला ऑर्डर, तो अच्छी बात है 150 मिलने दो ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल क्या रहा है एटलीस्ट 150 ज्यादा रहना चाहिए, अगर उससे ज्यादा रहेगा अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड, तो ट्रस्ट मी वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी ऑप्टिमाइज्ड, ऐसा रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब आप सॉल्व करोगे आपको इतनी बेहतरीन एक्स वन से एक्स सिक्स और वाई वन से वाई सिक्स वैल्यू मिलेगी कि आपका जो दिमाग में एम्बिग्यूटी चल रहा है ना, डाउट कि फालतू में एक्स्ट्रा क्यों बना रहे, नहीं बनेगा एक्स्ट्रा, यही तो एलपीपी का कमाल है, तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा बना रहा हूं मैं, नहीं बनेगा, मैं कंडीशंस मीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस की कंडीशन प्रॉपर्ली मीट कर रहा हूं, उसके बाद वो कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सॉल्व करेगा, ओके। नाउ वन थिंग, लास्ट थिंग, फिर से वही सेम आएगा कि नहीं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स जो भी वेरिएबल है या नहीं, ये सब वेरिएबल, दिस वेरिएबल शुड बी एटलीस्ट 600, एंड अगर वाई वन से बात करें, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर Y5 and Y6, this should at least produce how much? 400. Again, X1, X2, X3, X4, X5,
x6, करेक्ट ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन y1, y2, y3, y4, करेक्ट, y5 एंड y6, दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ व्हाट रिमेन्स इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में अगर तुम्हें समझना है तो एकदम सिंपल सी चीज इसको समझो. देखो यही मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहां मैं लिखता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, मैं नया कलर यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड. सो सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू फिनिश यार, और एल्स आई विल बी अंडर ट्रबल टू कंप्लीट इट अगेन. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, सो सॉरी. Draw one second. I am just changing the color for your simplicity. हाँ, x1 plus y1 तो मुझे दिख रहा है, greater than equal to 540 दिख रहा है ना. हाँ, अब ध्यान देते, अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज, ये तो पहले से पता है, मिनिमाइज z रहेगा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, 40 into x1 plus 42 into x2 प्लस 41 इंटू x3 जो भी कॉस्ट है, प्लस 45 इंटू x4 प्लस 39 इंटू x5 प्लस 40 इंटू x6 प्लस क्या आएगा, 52 इंटू y1 प्लस 50 इंटू y2 प्लस 53 इंटू y3 प्लस 50 इंटू y4 प्लस 45 इंटू y5 प्लस 43 इंटू y6 प्लस, ध्यान देना, 12 रुपीज लगेगा पर मंथ. पहले मंथ में कितना बचने वाला है, गौर करो, पहले मंथ में बचने वाला है x1, मैं पहले मंथ दिख नहीं रहा है, मैं पहले लिख रहा हूँ, -540 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचेगा या नहीं, पहले मंथ में इतना बचेगा या नहीं, इतना ही बचेगा ना, जो भी बचेगा यही रहेगा या नहीं, इसकी जो भी वैल्यू माइनस होगी, अगर ये बच गया तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री. दूसरे मंथ में देखो क्या बचेगा, दूसरे मंथ में अगर देखें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस 1200 बचेगा या नहीं. तीसरे मंथ में क्या बचेगा देखो ना, तीसरे मंथ में आई होप यू कैन सी, थर्ड मंथ दिस x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था वैल्यू, यहां पर आई थिंक कितना था, जस्ट लेट मी सी, 1900 था, करेक्ट ना. तो तीसरे मंथ में कितना बचेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, कितना बचेगा, -1900. वैसे ही फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, सिक्स मंथ में, तो जो पहले मंथ में x1 है वो कहां तक कैरी हो रहा है, पहले मंथ का x1 सब इक्वेशन में आ रहा है या नहीं, तो पहले मंथ का x1 कितनी बार आ रहा है, 6 times, yes or no? पहले मंथ का x1 कितनी बार आ रहा है, 6 times, ठीक है. तो अगर मैं लिखना चाहूंगा, प्लीज ध्यान दो, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर, ध्यान देना, इन्वेंट्री में एड कर रहा हूं यहां पर, 6x1 + 6y1, करेक्ट, प्लस सेकेंड मंथ का कितनी बार x1 आ रहा है, x1 तो खत्म हो गया, पूरे x1 खत्म हो गए, x2 कहां से चालू हुआ, सेकेंड मंथ से, कब तक चलेगा 6 मंथ तक, तो 5x2 बराबर ना, प्लस 5y2, इज इट राइट. अब थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ में क्या चालू हुआ, x3, वो कब तक चलेगा बेटा, कब तक, 4 तो ऐड कर रहा हूं इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 4x3 प्लस 4y3, जब नेक्स्ट मंथ पे जाऊंगा तो आएगा, देखो 6 5 4, नेक्स्ट आएगा 3 क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, x4 3 टाइम्स रहेंगे प्लस 3 टाइम्स क्या रहेगा, y4, फिर नेक्स्ट में जाऊंगा तो 2 टाइम्स x5 आएगा बराबर, और 2 टाइम्स क्या आएगा, y5, ठीक है, और क्या रहेगा, प्लस 1 टाइम y6 रहेगा, सॉरी x6 रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, y6, करेक्ट, माइनस ये जितनी भी वैल्यू है, देखो ये वैल्यू और कितनी है, ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू सब माइनस में उस साइड जाएगी या नहीं, तो सब वैल्यू को देखते हैं क्या क्या वैल्यू है. देखो सब वैल्यू देखने का, पहले मंथ में कितनी थी वैल्यू, देखो कितनी है 540 बराबर है या नहीं, -540, नेक्स्ट मंथ में कितनी है, -1200, ये सौ और दो में सबका क्यूमुलेटिव कर रहा हूं, जो भी बचेगा, नेक्स्ट क्या रहेगी, कितना था, -1900, नेक्स्ट क्या है, -2650, नेक्स्ट क्या है, जस्ट थिंक अबाउट इट, -3200, और लास्ट में क्या था, -3850, 150 ऐड करने के बाद, ये सबको ऐड करो माइनस के साथ, देखो कितना हो रहा है, जस्ट लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, ऐड करो इसको,
पूरा ऐड करो जल्दी। मत आओ मत आओ, कितना हो रहा है ऐड करो। वन जीरो 140 पक्का? नहीं, कुछ गलती हो रही है। और देखो यार ऐसे कैसे 13340, वेरी नाइस 13340। तो नाउ व्हेन आई विल राइट दैट थिंग, व्हाट आई विल राइट हियर इज, व्हाट आई विल राइट हियर इज 13340। बट ये तो मेरा बचा हुआ माल हो गया ना, दिस इज द रिमेनिंग थिंग। मैंने पूरा रिमेनिंग ऐड कर दिया बेटा, पूरा रिमेनिंग एक साथ क्या कर दिया ऐड। पर इसका खर्चा हर महीने कितना है? हाउ मच इज द कॉस्ट दैट आई एम गोइंग टू बियर? हाउ मच इज द कॉस्ट? 12 rupees। व्हाट इज द कॉस्ट? 12 rupees। तो व्हाट एवर विल बी द वैल्यू, व्हाट एवर विल रिमेन, इफ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ बेसिक एक्सप्लेनेशन, सी आई अगेन एक्सप्लेन पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड। इनिशियल तो समझ गया होगा, मिनिमाइज जेड में जो इन्वेंट्री वाली चीज है मैं फिर बताता हूँ। देखो x1 प्लस y1 माइनस 540 बचेगा या नहीं, इनटू क्या होने वाला है इसके साथ 12, करेक्ट। दूसरे मंथ में x2 प्लस y2 प्लस x1 प्लस y1, आप समझ रहा होगा माइनस कितना था 1200। ये जो भी बचेगा यहां से, जो भी बचेगा इनटू क्या होगा 12। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी नो इन द वॉइस, इज इट क्लियर? बोलो कौन है? नेक्स्ट मंथ क्या होगा? x3 प्लस y3 प्लस x2 प्लस y2, समझ रहा है ना, प्लस x1 प्लस y1 माइनस 1900। यहां से जो भी बचेगा, शायद जीरो बचे, आई डोंट केयर जीरो बचता है या नहीं बचता है, बट इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है 12 rupees। ये सिर्फ एक महीने का है, गौर करो। इसको 6 से मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली 6 आ रहा है। आप देखो अगर मैं इसको ऐड करूं x1 x1 x1, आता रहेगा या नहीं, फिर तीन बार आएगा या नहीं, तो वो मिला के कितना हो रहा है? 6 times x1 हो रहा है या नहीं, प्लस 6 times x2 हो रहा है, सॉरी 6 times y1 हो रहा है या नहीं। सिमिलरली क्या बताया मैंने, 5 times x2, 5 times y2, फिर क्या रहेगा 4 times x3, 4 times, आई होप यू आर गेटिंग, y3, अगेन क्या बताया मैंने 3 times x4, 3 times y4, नेक्स्ट क्या बताया 2 times y5, 2 times x5, आगे पीछे लिख दिया ठीक है, प्लस x6 प्लस y6 माइनस टोटल 13340। अब ये जो भी वैल्यू है बेटा, ये जो भी वैल्यू है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12, तो ये हो गया मेरा इन्वेंट्री। जो वेरिएबल लिख के खत्म कर रहा था ना, i1 i2, याद है सीधा i1 से लेके क्या लिख रहा था i6, उसके जगह मुझे अब ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज किया। ओके, और प्लस क्या रहेगा? प्लस दूसरी चीज एज इट इज रहेगी, x1 का जो भी कॉस्ट है वो ऐसी रहेगा, और x1 से लेके x6 का और y1 से लेके y6 का भी कॉस्ट एज इट इज रहेगा। तो वी हैव फॉर्मुलेटेड z टू कॉस्ट एंड व्हिच इज टू मिनिमाइज। ओके, इज इट ओके?